मैं अपनी बात चंद लाइनों से शुरू करूंगा। गमों की आग को अश्कों पर उबाल कर देखो, गमों की आग को अश्कों पर उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। भारत का लोकतंत्र आम आदमी के पैर से कांटा निकालने के लिए बनाएगा लोकतंत्र। भारत का लोकतंत्र एक महान लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और एक ऐसा महान संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया, जिसमें संप्रभुता की बात कही, जिसमें समानता की बात कही, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात कही। और अगर हम भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अगर हम भारत के आत्मा को बचाना चाहते हैं, तो हमको भारत के संविधान की प्रस्तावना पर अपना जीवन बिताना होगा, और भारत की प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को बचाना होगा। और वो प्रस्तावना क्या कहती है? वो प्रस्तावना समानता की बात कहती है। लेकिन जब आजादी के 75 साल के बाद हम पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सीआरपीएफ का जवान थाने में जाके एप्लीकेशन देता है कि मैं दलित समाज से हूं, मुझे अपनी शादी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि मुझे घोड़ी पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, तो भारत का लोकतंत्र शर्मिंदा होता है। जब हम पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है, ये असमानता का स्तर जब हम पढ़ते हैं, तब हम भारत के लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते हैं। और जब हम देश की धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार देखते हैं, चोट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को चोट पहुंचती है। मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूं, हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो वसुदेव कुटुंबकम की बात कहता है, वो हिंदू धर्म जिसकी रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर करे ही परस्पर प्रीति, यानी ऐसा देश जहां हर इंसान प्यार से रहे, वो है हमारा हिंदुस्तान। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रस खान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। यह है भारत की एकता, यह है भारत की विविधता, यह भारत की विशेषता है, जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, वही हमारा भारत महान है। लेकिन आज अगर यह प्रयास किया जा रहा है, यह कोशिश की जा रही है, अगर आज एक समाज को यह कहकर बड़े समाज को भड़काने का काम किया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज इस देश के अंदर कौन सी राजनीति हो रही? कहा जाता है नौजवान साथियों बेरोजगारी के कारण दर दर की ठोकरें खाते रहना, अगर नौकरी मांगोगे तो आपको लाठियों से पिटवाया जाएगा, आपकी पीठ लाल कर दी जाएगी। नौकरी मत मांगना लेकिन वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं और बहनों, महंगाई से भले ही तुम्हारा चूल्हा बर्बाद हो जाए, घर बर्बाद हो जाए, लेकिन वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों, भले ही तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाए, किसानों की आमदनी दोगुना ना हो, कर्ज के बोझ के तले भले ही आत्महत्या कर लेना, लेकिन वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इस देश के लोगों, कोरोना की महामारी में लाखों की संख्या में भले ही तुम्हारी जान चली जाए, चील कौवे कुत्ते तुम्हारी लाशों को नोचते रहे, लेकिन मरते मरते एक ही बात कह के जाना, वोट एक ही पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। ये मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे देश का बंटाधार कर दिया, इससे हमें सावधान रहना होगा, इससे हमें सावधान रहना होगा। ये नफरत की राजनीति से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, याद रखना। ये मुल्क मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा, ये मुल्क भाईचारे की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश तरक्की नहीं कर सकता, साथियों याद रखना।
इस देश के नौजवानों ने, किसानों ने, कर्मचारियों ने, छोटे व्यापारियों ने जो बैंकों में पैसा जमा किया था, वो पैसा उठा के चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी, वो कोई छोटा पैसा नहीं है, 12 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को उठाकर दे दिया गया और 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया। 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया। जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे, इतना पैसा राइट ऑफ कर दिया गया। नौजवान नौकरी मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। शिक्षा मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अस्पताल मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया विजय माल्या के पास, जो 9000 करोड़ लूट के भाग जाता है। ये पैसा गया ललित मोदी के पास, जो 3000 करोड़ लूट के भाग जाता है। ये पैसा गया नीरव मोदी के पास, जो 20000 करोड़ लूट के भाग जाता है। और अभी तो एक तस्वीर आई थी ललित मोदी की, जो 3000 करोड़ लूट कर विदेशों में बैठा है, उसकी फोटो सुष्मिता सेन के साथ आई। मैंने भारत की सरकार से कहा कि तुम ललित मोदी को नहीं खोज पा रहे हो, सुष्मिता सेन से मदद ले लो, वो बता देगी ललित मोदी कहाँ है, वो बता देगी ललित मोदी कहाँ है। नौजवान साथियों, पता नहीं आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, लेकिन एक बार भारत का बजट जरूर पढ़ना। देश के युवाओं के लिए जो खेल का बजट रखा गया है, वो बजट रखा गया है 3000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना पैसा अकेला ललित मोदी लेके भाग जाता है, उतना पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए खेल का बजट है। जिसका 3 गुना पैसा विजय माल्या लेके भाग जाता है, उतना पैसा भारत का खेल बजट है। जिसका 7 गुना पैसा नीरव मोदी लेके भाग जाता है, उतना हिंदुस्तान का खेल का बजट है। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आपके मन में नाराजगी नहीं होती? हिंदुस्तान के एक व्यापारी का नाम यहाँ लिया गया, 2014 में उस अडानी की संपत्ति थी 39000 करोड़ रुपए, 2018 में उस अडानी की संपत्ति हुई 57000 करोड़ रुपए, 2020 में उस अडानी की संपत्ति हुई 2.5 लाख करोड़ रुपए, और 2022 में उस अडानी की संपत्ति हो गई 10 लाख करोड़ रुपए। कितनी हो गई? 10 लाख करोड़ रुपए। नौजवान नौकरी ना मिलने के कारण अपनी जान दे रहा है, और हिंदुस्तान के एक व्यक्ति के पास 10 लाख करोड़ रुपए है। कहा जा रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा उसके ऊपर है, दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया। अरे भाई, हमारे किसी नौजवान को जो यहाँ बैठा है MIT वाला, उसको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दो, वो भी अडानी से अमीर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए ये असमानता, ये विषमता, ये हमें मिटाना होगा। बिल्कुल सही यहाँ पर कहा गया, परिवारवाद की राजनीति इस देश के लिए अभिशाप है। परिवारवाद इस देश की राजनीति से खत्म होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, शिबू सुरेन, हेमंत सुरेन, दुर्गा सुरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कल्याण सिंह, राजबीर सिंह, संदीप सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह,
देश की सबसे बड़ी हिंदुस्तान की आजादी के बाद की पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ, कहां है पार्टी? ये पार्टियां नहीं है, चंद परिवारों का देश के लोकतंत्र पे कब्जा है। अगर ये बात नौजवानों को समझ में नहीं आ रही है तो आने वाले दिनों में भारत की राजनीति का साफ सुथरा दृश्य आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए साथियों और दोस्तों, मेरा दो मिनट है, थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो मैं अपनी बात कहता हूं। वहां भी नहीं बोलने देते पार्लियामेंट में, यहां भी। इस भारत की छात्र का संसद है, भारत की छात्रों का संसद है, और मैं आप लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं और आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इस देश की राजनीति से दूर मत भागिए। अच्छे लोगों ने राजनीति छोड़ दी, इसलिए बुरे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। इस देश की राजनीति में अच्छे लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, रेड़ी पटरी वालों को, जो आम आदमी की बात उठा सके, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में आना पड़ेगा। और इसलिए भी आना पड़ेगा कि देश की पूंजीपतियों के लिए जो कानून बनता है उसके खिलाफ एक साल तक देश का अन्नदाता सड़क पर बैठता है, 750 किसानों की शहादत हो जाती है। अगर आप राजनीति में नहीं रहेंगे तो ये शहादतें रुकने वाली नहीं है, याद रखना। इसलिए ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। फ्री बीज पे सवाल खड़ा किया जाता है, अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली देते, फ्री शिक्षा देते, फ्री स्वास्थ्य देते, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराते तो कहते हैं फ्री 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 बांट रहे हैं। अरे विधायकों को फ्री बिजली, सांसदों को फ्री बिजली, मंत्री को फ्री बिजली, मुख्यमंत्री को फ्री बिजली, प्रधानमंत्री को फ्री बिजली, तो इस देश की जनता को जनता के पैसे से फ्री बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बताइए, बताइए, हाथ उठा के बताइए, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए आपके लिए काम करना है, आपको राजनीति में आगे आना होगा। और अगर आप नहीं आएंगे, यहां राष्ट्रवाद की बात की गई, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत के नौजवानों जरा आप सोचना, गंभीरता से जरा विचार करना, भारत के बजट में 6.5 लाख करोड़ की भारत की संपत्तियां बेचने का प्रावधान सरकार लेके आती है। हमारी रेल बेची जा रही है, हमारी सेल बेची जा रही है, हमारा कोल इंडिया बेचा जा रहा है, हमारा बीपीसीएल बेचा जा रहा है, हमारा LIC बेचा जा रहा है, हमारा बैंक बेचा जा रहा है, हमारी सड़कें बेची जा रही है, हमारी बिजली बेची जा रही है, हमारा पानी बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान बेचने की तैयारी है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जागिए, सजग होइए, मुख्य धारा की राजनीति में आइए, अपने अंदर समझ पैदा कीजिए, वरना 4 साल की नौकरी देके अग्निवीर आपको बनाया जा रहा है। 17 साल में अग्निवीर बनोगे, 21 साल में रिटायर हो जाओगे, 17 साल में सैनिक, 21 साल में पूर्व सैनिक, और जीवन भर दर दर भटकता रहना पड़ेगा। मैं अंत में एक ही सवाल आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं, जरा सोचना, अगर हिंदुस्तान की सेना 34,000 सेना हर साल कम होगी, अगर हिंदुस्तान की सेना 20 साल तक 34,000 कम होती रही तो भारत की सेना आधी हो जाएगी। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा भारत माता के प्रति हमारा प्रेम है? कैसे भारत की सीमाओं की सुरक्षा होगी अगर हमारे सैनिकों की संख्या कम की जाएगी? इसलिए नौजवान साथियों, इन सवालों पर सोचिए, आगे बढ़िए, आवाज लगाइए और भारत की राजनीति को स्वच्छ और साफ सुथरा कीजिए।